मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट है और मैंने उसको इजाज़त दी। सिर्फ बातें करते हैं टेलीविजन पे बैठ के लोग कि ख्वातीन को राइट्स मिलने चाहिए अपनी बीवियों तक को, अवार्ड शो पे लेके नहीं आते साले, और दूसरी लड़कियों के साथ आ रहे होते हैं कि बीवी तो ये कपड़े पहनती है, ये तो संभाल नहीं पा रहा, ये वो, इस तरह के ओपिनियंस आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं हीरा मैं बैठ के पढ़ रहे हो, अच्छा आप पढ़े हैं, दोनों पढ़ते हैं हीरा मैं बैठ के। लोग अभिषेक बच्चन को नहीं गालियां देते, लोग तो अब दीपिका और उसका भी रणवीर का भी कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं। नुमान एजाज जिस दिन ये इंटरव्यू दे रहे थे ना, ये वाला वो मैंने देखा था, उससे पहले वाला इंटरव्यू, मैंने कह रहा ये फंस जाएंगे। मैंने अभी मजाक में दानंद भाई को कह दिया था इंस्टीट्यूट, तो वो सीरियस होगा, उन्होंने बोला क्या क्या इंस्टीट्यूट, उन्होंने तुझे क्या सिखाया। फारूक सत्तार, बेचारे इमरान खान, डिसअपॉइंटमेंट, यूनुस खान, हार्ड वर्कर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार, हरीम शाह। सबसेट है टू आप लोगों ने शूट किया था एक एपिसोड, वो आगे नहीं बढ़ पाया। ज्यादातर फिल्मों में जितनी भी चार किक कर चुके हैं आप, राइट, और ये सारी कोरोना की वजह से इस साल रुकी, वरना 2019 में लोग 2.0 देख चुके होते मानिएगा। अच्छा एक एक बात कर, इस बारे में बात करनी है, एक तो ये कि ये चार फिल्में कौन सी हैं, कुछ आइडिया दें। जाहिर सी बात है जब आएंगे तो आप प्रमोशन करेंगे उसकी, एक अलग मार्केटिंग होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इन चार फिल्मों में कहीं कहीं मुझे ये खबरें मिली कि जो है आप फलाना सेट पे थे तो लोग आपकी परफॉर्मेंस देख के बहुत सरप्राइज हो गए, बहुत खुश हुए, तालियां बजी। कहीं कुछ एक्टर्स ने बोला अरे यार तू तो मतलब बिल्कुल ही ओवर पावर कर रहा है। तो बीइंग योर फैन, मैंने तो काफ़ी मजाक उड़ाया कि तुम किस बात पे सरप्राइज हुए भाई, हमें तो पता है वो ये करते आ रहे हैं जमाने से, कोई नई चीज़ नहीं है। असफर भाई से मेरी एक बार बात हुई, उन्होंने भी कहा वो पागल हैं अगर वो सरप्राइज हो रहे हैं तो, मानने तो सबसे उठा के रखा हुआ था उनको, सरप्राइज किस बात पर हो रहा है। तो इस पर क्या रिएक्शन था आपका? यार एक्चुअली मेरा चक्कर ये, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, मैं किसी एक्टर से मिलता नहीं हूँ। ये इंडस्ट्री ऐसी होती है ना कि ये इसमें आपको मिलना पड़ता है, आपको प्रोड्यूसर को जाके बताना पड़ता है कि यार मैं काम करना चाह रहा हूँ। मैंने मैक्सिमम किसको बोला होगा, डॉक्टर अली काजमी को एक आधा दफ़ा फ़ोन कर दिया होगा, महेश से मेरी बातचीत है, इन दो से मैंने ज़िंदगी में बात की होगी कि मुझे काम करना है। मैंने कभी किसी को बोला नहीं, मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन ये एक रूटीन है कि आप सबको याद दिलाते हो, कि बड़े से बड़े एक्टर भी याद दिलाते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, किसी शादी में, किसी वलीमे में, किसी पार्टी में। आपने दुकान शुरू से ही अलग कर ली मेरी ना? दुकान छोटी है लेकिन अपनी है भाई, तो वो, लेकिन उसका नुकसान भी है कि मैं हर वक्त तो नहीं, राइटर्स एक ब्लॉक भी तो आएगा ना, राइटर्स ब्लॉक आया ना, 2-3 साल से मेरा कोई काम ऐसा नहीं आया जो रिकग्नाइज हो रहा हो। प्रोडक्शन की है मैंने, लेकिन उसमें मैं खुद नहीं था, अहमद भट्ट को मैंने कास्ट कराया मिस्टर शमीम में। तो एक पॉइंट पे तो मेरा दिमाग भी बढ़ जाएगा ना बेसिकली, कोई तो टाइम होगा ना, क्योंकि जब मैं इतना बल्क में काम कर रहा हूँगा, जो बड़े बड़े लोग जो खुद से क्रिएट करते हैं वो कभी एक काम करते हैं, मैंने तो पता नहीं कितने 100 शो बना दिए खुद लाट से, में कर दिया लॉट में मैंने आपने। बना दिए शोज, तो मेरा दिमाग भी बढ़ जाएगा ना एक पॉइंट पे जाके। हटती नहीं आपकी क्या, तुम किस बात पे यार मेरी सरप्राइज हो? हटती में वो ढीठ आती हूँ। देखिए ये सब पे टाइम आता है, ये सब पे टाइम आता है, हर एक्टर को लोग कहते हैं यार आप और क्यों नहीं करते, अबे कोई कराएगा तो कर लेंगे, घर में करेंगे घर में करेंगे बैठ के। अबे हमारा काम ही है कि हम एक्टिंग करने आए हैं, होस्टिंग करने आए हैं, तो हम करेंगे। ऐसे में मेरी कैरेक्टर का ऐसे में थोड़ा ओवर पावर करता हूँ, मैं आइडियाज़ फेंकता हूँ, मैं सेट पे डायलॉग्स पकड़ देखता हूँ, मैं फेंक, मेरा मजबूरी है, मैं एनर्जी फेंकता हूँ कि यार ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। मनी बैक गारंटी भी मैंने बोला ये कर लें, कुछ एक दो लोगों को एतराज़ भी हुआ कि यार ये डायलॉग तो ये था, ये बोल रहा है, लेकिन मेरा डायरेक्टर मुझसे खुश था, फैसल कुरैशी, दैट्स इट, मेरा काम उसको खुश रखना है, वो डायरेक्टर खुश है ना, डैट इज़ इट, सही है ना। और मुझे एक्टर्स के साथ केमिस्ट्री बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अकेला परफॉर्म करके कभी भी जीत नहीं सकता जब तक कि वो सब परफॉर्म ना कर रहे हो। एक सीरियस आपने किया था कैरेक्टर बंदिश में, यकीन के सफर में भी, मुझे यकीन के सफर में भी, वो भी मैंने उसके भी कुछ सीन्स देखे हैं, लेकिन बंदिश आई रिमेम्बर मैंने एक आपका एंट्री सीन देखा, और ये मैंने इस प्रिपरेशन के लिए नहीं देखा, उस वक्त जब ऑन ईयर चल रहा था तो मैं चैनल स्विच करते हुए रुका, तो आपकी एंट्री थी मेरे ख्याल है हॉस्पिटल की सीन में, जहाँ आप आते हैं हीरा माई जो हैं वो बेड पर हैं, मैंने कुछ अटैक वटैक हुआ था, और आप आते हैं एज डॉक्टर, और वो बात होती है, और आप कहते हैं, वो कहती हैं आप डॉक्टर हैं, आपकी शक्ल दिखी तो कहते हैं नहीं मैं रक्षे वाला हूँ। सॉरी आप लगे नहीं मुझे डॉक्टर, तो अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो क्या मैं आपको रिक्शे वाला लग रहा हूँ? तो वो उस सीन में बड़ी गुंजाइश थी कि आप उसको मानी वाला सीन बना देते, क्योंकि वो बाद डायलॉग भी मानी वाला दे रहा हाँ है मैं रक्षे वाला, उसके बाद वो आपको सीरियसली ले लेती हैं एज ए डॉक्टर, फिर आप एंड में दोबारा कहते हैं नहीं डॉक्टर नहीं रक्षे वाला, हाँ ठीक है। एक वो सीन मैंने देखा कि आपने नहीं लूज नहीं किया, आपने दिखा दिया कि एज एन एक्टर यार मैं उतना ही पावरफुल हूँ, मैं बार बार खामखा कॉमेडी नहीं करता, और उसके बाद मैंने फॉलो किया वो ड्रामा सिर्फ आपकी सीन्स के लिए, कि कुछ वो वाले सीन्स मैंने देखे जहाँ पे आप, जहाँ लड़की आती है पजेस होके,
और वो मरने वाली होती है, आपने आप उसे दूर से दिखाया उन्होंने कि आपने उसे कुछ पढ़ के आपने दोबारा दिया है तो जिंदा हो गई। फिर आप घर जाते हैं, अम्मी से कहते हैं कि मैंने कलमा पढ़ के उसे दोबारा जो है शॉक दिया तो वो सेट हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। थ्रू आउट दैट कैरेक्टर मैंने काफ़ी हद तक वो ड्रामा सिर्फ आपके लिए फॉलो किया, आपने बड़ा ज़बरदस्त दिखाया अपना सीरियस। मैंने इसको कलमा पढ़ के शॉक दिया भजी अम्मी यार, हाँ वो एक्चुअली हुआ ये था कि वो आबिस डायरेक्टर था तो उसने मुझे बोला कि यार मानी, यार मानी नहीं देना चाहिए। अच्छा मेरा इतना, क्योंकि मैं इतना मानी हूँ तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। मैंने कहा यार शिट यार ये तो फंस गया मैं। अच्छा ये हुआ, फील हुआ था? हाँ मेरी फट गई, क्योंकि मैंने हुआ ये जब मैं कर रहा था, मैंने कहा यार ये तो, क्योंकि हीरा बहुत अच्छी एक्टर है, हीरा ने सीरियस में बहुत मनवा लिया और मैं हीरा के साथ ही था। मैंने कहा यार ये तो कंपैरिजन लोग करना शुरू कर देंगे कि यार ये तो बुरा है और हीरा तो बहुत अच्छी है। तो मैंने बहुत जान मारी और आबिस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो डॉक्टर अली ने मुझे कास्ट किया था, मैं कहा किसी ने मना किया था, और मैंने जब रोल देखा तो उसमें मार्जिन था, ऐसी बात नहीं है, जगह थी बहुत सारी। डॉक्टर अली ने कहा यार ये रोल है ये कर लें अब ये वो वगैरह, मैंने कहा कर लेते हैं। तो मुझे तो ये था कि मुझे करना था रोल, मुझे दिखाना भी था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। कॉमेडियंस को ज़्यादातर लोग जो है कॉमेडियन के तौर पे ही लेते हैं पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में, तो ये मेरे पास चांस था। मैंने उसको, मैंने इंसाफ भी किया, मुझे बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा यार आपने बड़ा शॉकिंग रोल, या आपने अकेले नहीं किया, मुझे बहुत लोग मिले। मैं बाहर भी गया तो मुझे बाहर भी मिले, पाकिस्तान में भी लोगों ने बोला यार बिल्कुल डिफरेंट आए थे, आपने टोन चेंज कर ली, आपने एक्सप्रेशन, आप तो हाथ हिलाए बगैर बात ही नहीं करते। मैंने कहा हाँ यार ये तो है, ये तो मैंने किया है चेंज, ऐसी बात नहीं है। तो वो आबिस का कमाल था, आबिस ने मुझसे करवाया वो काम और वो बड़ा पसंद किया मेरा, लेकिन मुझे उसके बाद कोई ऐसा ऑफर नहीं हुआ मुझे कभी भी। यूथ का कॉन्टेंट कहाँ है भाई? सारा या तो खबरें आ रही हैं या ड्रामे आ रहे हैं औरतों के। टीवी ऑब्सोलीट हो रहा है ना, टीवी कुछ दिनों बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा और सिर्फ इंटरनेट रह जाएगा। मैं भी उन बदनसीबों में से हूँ जिसने इंटरनेट पे कम कम काम किया हुआ है, और अब जाके हम कुछ कर रहे हैं, तुम्हें भी पता है हीरा और मैं जो बना रहे हैं चीज़, या एक दो चीज़ें और भी प्लान की हुई हैं। लेकिन इंटरनेट पे आप कभी लेट नहीं होते, आपके पहला दिन भी 50,000 दिन के बराबर हो सकता है। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जब आप पहले दिन आए और आप पहले दिन ही हिट हो गए। तो लोग, मेरी ऑडियंस, मेरे दोस्त, मेरे फैंस मेरे इंतजार कर रहे हैं, मुझे प्यार करने वाले बेशुमार लोग हैं, उन्होंने मिलकर मुझे मानी बनाया ना। ये जो 2-3 साल थे, खासतौर पर जब मेरे भाई की डेथ हुई हसन की, और जब उसको कैंसर डायग्नोस हुआ, तो उसके बाद से मैं, मेरा तो ये था ना कि मैंने अपने भाई को ट्रेन कर दिया था, उसको मैंने पढ़ा भी दिया था अच्छा, तो मैंने कहा था यार फिल्म मेकर बनाने के लिए कि यार वो करेगा और मैं अब सुकून करूँगा और मैं अब प्रोड्यूस करूँगा और हसन डायरेक्ट करेगा। लेकिन वो अल्लाह मियाँ के प्लान्स कुछ थे, नहीं हो पाया, उसकी डेथ होगी बेचारे की। तो जब ऐसी चीज़ होती है ना तो आपको सेटबैक्स होते हैं, लेकिन मैं वो हूँ, आइसमैन हूँ, मैं मेल्ट नहीं होता इतनी जल्दी। तो मैं जो हूँ, मैं कमबैक करता हूँ। मेरी बीवी मुझे बहुत सपोर्ट करती है इस मामले में, क्योंकि वो और उसका मेरा ये है कि यार काम अच्छा करना है, किसी भी तरीके से काम अच्छा करना है। ये जो नाम तुम्हारा जो बना हुआ था मैंने वहाँ तक बनाया है, अब तुमने वहाँ तक बनाना है, मैंने यहाँ तक लेके जाना है, ये एक चीज़ रहेगी हमारी, ताकि हमारे बच्चे भी आगे जाके इस ट्रेंड को, इस चीज़ को लेके जाएँ। और हम आइडियाज़ पर काम करते हैं। हीरा का अभी आपने किसी ने कॉमेडी नहीं देखा, हीरा बहुत अच्छी कॉमेडियन है। हीरा के गाने अभी जब आएंगे कुछ दिनों में, जब आ जाएंगे रिकॉर्ड कर लिए, तो वो एक फ़र्क नज़र आ जाएगा कि सीरियस एक्टर तो वो है, पाकिस्तान की टॉप एक्टर्स में से एक है बेसिकली, 2-3 लड़कियों में हीरा 1-3 में ही होगी। लेकिन अब वो जब ये चीज़ करेगी, मैं क्योंकि वो मेरी बीवी है ना, तो मैं उसको बताता हूँ कि इंडस्ट्री किस तरह चेंज होती है, कितनी जल्दी ये थोड़ी दिनों बाद ये रोने धोने वाले ड्रामे कुछ और बन जाएंगे, तो किस तरह आपने अपने आप को ज़िंदा रखना है। तो ये चीज़ें तो मुझसे वो सीखती रहती है। ऐसी बात, म्यूज़िक बहुत अच्छा, गाने उसकी उसकी पहली ख्वाहिश ही गाने गाना थी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओएसटी गाया मैं ऐसे एक दो। अच्छा, हाँ तरीके से आने वाला कुछ और, आने कुछ अच्छा आने वाला। हाँ तो वो उसके अंदर मेरा भी आइडिया, ऐसी बात नहीं है, और ऐसी बात नहीं, मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट है। मैंने जो था प्रॉपरली उसके अंदर टैलेंट देखा और मैंने उसको इजाज़त दी, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ अपनी बीवी पे, सही है ना। बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ बातें करते हैं टेलीविजन पे बैठ के लोग, कि ख्वातीन को राइट्स मिलने चाहिए, अपनी बीवियों तक को वो नॉर्मल क्या नाम है वो अवार्ड शो पे लेके नहीं आते साले, और दूसरी लड़कियों के साथ आ रहे होते हैं। तो मैं तो ये नहीं करता। थोड़ा पर्सनल सवाल है, और अगेन आप चाहें तो ना दें जवाब, आपकी सवाब दीद पर है। ये कैसा फील होता है जब आप ये जानते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट है और आपने इतनी मेहनत की है और आपने हर बार गाइड भी किया है, आज भी आप दोनों मिलके एक दूसरे को साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और जब इसी चीज़ को लोग कंपैरिजन बना देते हैं?
कंपैरिजन तो बनेगा ना। और आपको नाम ले लेके गालियां देते हैं अगर वो कोई उनको उनका कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा, उनको उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही, गालियां आपको आ रही हैं? हाँ नहीं, मुझे गालियां आती हैं और मुझे उससे तो पब्लिक का माइंडसेट का पता लगता है ना। हमारी कौम जो है ना वो थोड़ी कमजोर इस तरह से है कि वो फौरन से आके जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं या ओपिनियन बना लेते हैं या जज कर लेते हैं दो मिनट में। और शायद मैं इसलिए बुरा नहीं समझता क्योंकि मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी जज कर लेता था, मैं भी तो अपने शोज में जज करता था, मैं भी तो ये करता था। तो वो मुझे जज करते हैं इस तरह बैठ के कि ये तो उसकी बीवी तो ये कपड़े पहनती है, ये तो संभाल नहीं पा रहा, ये वो इस तरह के ओपिनियंस आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं हीरा मैं बैठ के पढ़ रहे हो। अच्छा, आप पढ़े हैं? दोनों पढ़ते हैं हीरा मैं बैठ के, और हमारे लिए ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये कोई बात नहीं। इसलिए क्योंकि हम इस माशरे का हिस्सा हैं और हमारे ख़ानदान में बहुत से लोग चीज़ें पसंद नहीं करते होंगे हमारी, वो तो फिर बाहर के लोग चौथे मोहल्ले के छठे मोहल्ले के ऐसे लड़के होंगे या लड़कियां होंगी जो कि उनके अपने पता नहीं किस तरह के मसले होंगे कि आप पता उनकी अचीवमेंट्स ही ना हों, उनके घर में फाइनेंशियल मसले हों, उनके घर में उनकी शादियां टूट गई हों, बेशुमार मसले होते हैं और इंसान रिएक्ट करता है। लोग शाहरुख खान पे भी तो कमेंट कर रहे होते हैं, लोग अभिषेक बच्चन को नहीं गालियाँ देते, दे रहे होते हैं ना लोग, तो सबको दे रहे होते हैं, सबसे कंपैरिजन कर रहे होते हैं लोग। तो अब दीपिका और उसका भी रणवीर का भी कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं, सही है ना? लोग करते हैं ये काम, लोगों का काम होता है। तो हम शोबिस के लोग हैं तो ये कंपैरिजंस और ये ओपिनियंस जो हैं ये मैटर हमें इसलिए नहीं करते क्योंकि हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं, हम पे मकसद पे हैं। कभी कभी ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं तो मुझे लगता है कि ये फिर चेंज हो जाएंगे, अभी मेरा एक हिट आएगा तो वो फिर मेरे पीछे आ जाएंगे। तो ये तो पब्लिक तो यूँ है कठपुतली की तरह, बरसाती कठपुतली की तरह। लेकिन वो जो कल्ट है ना मेरी, जो मुझे डे वन से प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, तो वो वहीं रहेगी। वो उनको पता है कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, मैंने क्या क्या रेवोल्यूशन से क्या हूँ, मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। जिसको नहीं पता वो तो गाली दे देगा, भाई इसको क्या पता इसने क्या किया है। जिसको नहीं पता, बाकी में नहीं पता होगा, उसका कसूर भी नहीं, उसको पता भी नहीं होगा, तो हम उससे लड़ भी नहीं सकते। जिसको पता ही नहीं उससे क्या लड़ना, सही ना? जैसे मैं PTV के ड्रामे देखता आ रहा हूँ तो मुझे PTV के एक्ट्रेस की अचीवमेंट पता है। जब वसीम अब्बास ने ये ड्रामा किया, कश में एक्टिंग की, लोगों ने क्या एक्टिंग की है, हमें तो पता था वसीम अब्बास एक ब्रिलियंट एक्टर है। एग्जैक्टली, उन्होंने रेजा भी किया था पहले, इसमें क्या बुरी बात, नई बात क्या? तो बहुत बड़े एक्टर हैं यार, आपने अब जज किया उनको जाके कि कितने अच्छे एक्टर हैं। इसका मतलब हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है किसी का भी, कोई बंदा, हर बंदा बगैर रिकॉर्ड के अभी मर जाएगा, 3 दिन का ताजीती प्रोग्राम होगा, उसके चौथे दिन उसको भी याद नहीं रखा जाएगा। जियोशियो एयरवा वगैरह वो कर देते हैं कि फ़लाँ तारीख को ये मर गए थे, लेकिन कोई अकेडमी नहीं है। कोई मोइन अख्तर की वो वीडियोज ही बना के लोग कॉमेडियंस को दिखा दिया जाता, लूज स्टॉक तो पड़ा हुआ है ना, अब तो उसमें मीम्स भी बनती हैं। तो कुछ भी किसी का नहीं पड़ा हुआ, सब आ रहे हैं आके जा रहे हैं, आ रहे हैं आके जा रहे हैं बेसिकली। तो ये खतरनाक बात है, अच्छी बात तो नहीं है। सही। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट क्या कह रहे हैं फेमिनिज्म? मैं मुझे औरत का जो औरत कार्ड है ना जी। वो कभी कभी हर्ट करता है, कुछ लोगों ने इसको मिसयूज़ किया, लेकिन जहाँ जहाँ औरत के साथ ज्यादती हो रही है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, सही है ना? और हमारे माशरे में मैं सिर्फ इन अंग्रेज़ी बोलने वाली औरतों की बात नहीं कर रहा, मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं। मेरे नज़र में ये था कि ये जो फेमिनिज्म या ये जो मी टू मूवमेंट्स और ये जो मूवमेंट्स होती हैं, इसका जो मेन एसेंस था ना बेसिकली, ये जो मैं फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहा, मी टू से स्टार्ट करता हूँ। ये जो आंटी थी या ना, मैं तराना बर्क जो थी, ये ब्रॉन्ज की रहने वाली थी, वहाँ का लालू खेत है बेसिकली, वो कालों का इलाका है। मेरा दोस्त वहाँ रहता था, मैं एक दफ़ा चला भी गया था, मुझे उसने बोल शाम को बोल दिया था लूट जाएगा, ब्रॉन्ज के इलाके में बता रहा हूँ। मैं अमेरिका जब लास्ट किया था अभी, तो कहता निकल ले बेटा तू यहाँ से, तो मैंने वो जो भी उनकी ट्यूब शूब चल रही थी ना उसमें बैठ के मैं निकल लिया था वहाँ से। कहता अभी तू अभी लूट लेंगे गाले तुझे यहाँ पे, जिस इलाके में था वो। तराना बर्क वहाँ की बंदी है, उन्होंने अपना जो सिंबल बनाया है मी टू का, वो एक ऐसी औरत को बनाया है जो वहाँ की, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ क्या मी टू मूवमेंट कोई लालू खेत की औरत चला रही है, यहाँ क्या वो उसको हेड करती है, क्या यहाँ कोई फेमिनिस्ट ऐसी है जो नॉर्थ कराची में या इछरे में रह रही हो? ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा ना ऐसा? जब नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा सा मुझे जो जो मूवमेंट चलाने वाले हैं उनसे मुझे मैं डिसएग्री हूँ। मूवमेंट्स के आइडिया से डिसएग्री, आइडिया से डिसएग्री नहीं हूँ, मूवमेंट चलाने वाले से डिसएग्री हूँ। मुझे लग रहा है ये लोग NGOs टाइप के लोग हैं, इनको फंडिंग वंडिंग होती है, पैसे ऐसे मिलते हैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया है NGOs का, नोट वोट मिल रहे होते हैं सबको। तो वो फिर मुशरफ साहब ने सही कहा था ना, इतनी NGOs खुली नहीं है। तो एक खतरनाक स्टेटमेंट मेरे दिल में भी आ रहा है कि यहाँ का फेमिनिज्म बर्गर फेमिनिज्म है थोड़ा सा।
हाँ वही तो, अंग्रेजी बोलने वाले जो लोगों ने हाईजैक किया हुआ है सारे मूवमेंट को। बड़ा अच्छा आइडिया है ये, आइडिया तो बेस्ट है। मुझे तो लगता है कि औरतों की आजादी, औरतों, मैं तो अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको स्विमर बनाता, मैं एथलीट बनाता, मैं उसको स्पोर्ट्स गर्ल बनाता। मुझे लगता है लड़कियों को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए ताकि ये जो अंदर की, ये जो उनकी अंदर भरा हुआ है ना, जो आपस में लड़ाई झगड़े फड्डे लड़ाइयाँ सास बहू, ये ख़त्म हो जाएगा। हर औरत को काम करना चाहिए, जब वो काम करके घर आएगी तो उसकी लड़ाई ही नहीं होगी सास से। हर औरत को जो है, जब यूरोप में सब काम कर रहे हैं सही ना, इंडिया में सब काम कर रहे हैं, आपके बराबर में मुल्क है ना, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई क्या है। और अब आ गया ना वो टाइम कि जब सबको ही काम करना पड़ेगा, आ गई ना महंगाई, सब चीज़ें होगी, तब्दीली भी आ गई, तो वो जो है मुझे लगता है कि ये हम लोग ज़बरदस्ती नहीं इतना लंबा करते हैं चीज़ों को। हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे, अबे भाई जब एक कुत्ते वाला फड्डा हो रहा है तो अलग हो जाओ ना, नहीं नहीं रहो ना ज़बरदस्ती। एंड व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट औरत मार्च? औरत मार्च इवेंचुअली बड़ा हो जाएगा आगे जाके, हर चीज़ बहुत बड़ा हो जाएगा मुझे लगता है। शुरू में जो होती है ना वो लल्लू लगती है, हाँ। जब पहली दफ़ा होता है ना लोगों ने मजाक बनाया था, ये थर्ड फोर्थ टाइम जो है ना डेंजरस लगने शुरू हो गया है, जब ये इनको आगे से लोगों ने डंडे भी मारे हैं। अब अगली दफ़ा ना और बड़ा होगा, पहले कुछ और एंगल में चीज़ें जाएंगी, फिर ये सही डायरेक्शन में भी आ जाएंगे, ऐसा ही होगा। ये चीज़ें होंगी बड़ी दुनिया में, आप दुनिया से हट नहीं सकते ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फलां धमाका, औरत मार्च, ये सब ग्लोबल फिनोमेना है, फिनोमेना है, आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये है जो चीज़ें राइट उनकी हैं, बिल्कुल राइट हैं, लेकिन जो स्लोगन्स थे वो समझ नहीं आ रहे थे मुझे, कुछ ज़्यादा बोल्ड थे, वो चुड़ैल की तरह थे, चुड़ैल फिल्म की तरह थे, इतने स्लोगन्स बोल्ड नहीं होने चाहिए। लेकिन सही है, अभी आ रहा कोई स्लोगन नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ पता नहीं फलां गर्म करो बिस्तर गर्म ना करो, ऐसे था ना कोई, पता नहीं मुझे तो कभी भी लगता है वो फोटोशॉप टाइम है, कभी भी यहाँ वो ओरिजिनल है, नहीं ओरिजिनल भी है, बहुत बहुत से ओरिजिनल। तो मुझे लगता है कि दो एक्सट्रीम्स हैं पाकिस्तान में, एक हमारे यहाँ मुल्लाइज्म है जो कि हर फिके में, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ नहीं है, जब जिसकी पाँव दुम पे पाँव आता है तो वो भटक पड़ता है हमारे यहाँ। एक हमारे यहाँ फेमिनिज्म या हमारे यहाँ लिबरलिज्म के नाम पे जो फेनेटिक्स बैठे हुए हैं वो भी हैं। मतलब एक कह रहा है कि मर्द की गुलामी करो, एक कह रहा है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, और तुम्हें नमाज पढ़नी है, कह रहा है अजान की आवाज क्यों आ रही है, हाँ, भाई कोई बीच की चीज तो लेके आ जाओ, कोई बीच की, भाई उसका भी क्या, अल्लाह ने पैगाम दिया है, अल्लाह का पैगाम तो आएगा ना, सही ना, अमरीका तक में अजान की आवाज आती है, सही ना, रशिया में भी मैंने देख ली, तो पाकिस्तान में भी आ सकती है। तो मतलब तो एक्सट्रीम्स है हमारे यहाँ, मतलब वो भी गलत है और ये भी गलत है। जबरदस्ती तो आप किसी की गुद पकड़ के नहीं पढ़ा सकते ना, वो प्राइवेट वाले भाई भी आपसे दो मिनट ही मांगते ना कि यार दो मिनट, एक दो मिनट है क्या, उसके बाद आप नहीं मांगते। मुझे उनका वैसे स्टाइल अच्छा लगता है, वैसे दो मिनट दे दे, जब नहीं है तो चले जाते, नहीं है तो चले जाते बेचारे वो। तो ये औरत मार्च वाले और फेमिनिज्म में भी यही हो रहा है कि या तो वो कह रहे हैं कि औरतों को कह रहे हैं गुलामी करो मर्द की, या तो ये कह रहे हैं छोड़ दो। डिवोर्स रेट कितना बढ़ गया, बीच में नहीं आ रहा है, डिवोर्स रेट कितना बढ़ा है अभी, सही ना, अब वो नहीं होता। एक तरीके से सही भी है कि लोग बर्दाश्त नहीं करते, हमारे ज़माने में जो अम्मियाँ खालाएँ होती थी वो मार खा खा के भी बर्दाश्त करी होती थी, ये सही है तुम्हारे बाप से कसम खाई थी, पता नहीं कौन सी कसम खाई थी उन्होंने, तो वो चलाते रहते थे बेचारे। तो वो सबके ख़ानदानों में हुआ है, कोई ये अभी लिखेगा ना ये क्या बकवास है, सब तेरे ख़ानदान में भी हो रहा होगा, सबके ख़ानदानों में हुआ है कि फ़लाँ की खाला आके बैठ गई, खालू जल्लाद थे, ये हुआ है ना। तो अब उसका रिएक्शन आ रहा है 2020 में, ये नहीं हो रहा क्या, सब सबकी नानियाँ जो थी वो गलत शादियाँ कर बैठी अपनी बेटियों की, बेसिकली ना सब खानदानों में यही हुआ है ना, कि फलां एक खालू होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे, सही ना, एक खालू मार रहे हैं, एक खालू ताने दे रहे हैं, सही ना, इस तरह तो हुआ है ना। तो ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है बेसिकली, पाकिस्तान का ग्लोबल फिनोमेना पाकिस्तान का। सही सही। अच्छा एक बड़ा फैन बेस सवाल है, क्या मानी डिफेंस जाके बर्गर हो गया? लेकिन मैं जब 13 साल पहले डिफेंस किया था तो उसकी मेन वजह ये थी कि हड़तालें बहुत होती थी, हमारा सारा काम शूटिंग्स डिफेंस में होती थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ करते हैं, मेरा ड्रामे दो चल रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक घर ले लेता हूँ, दोनों ड्रामे वहाँ शूट करूँगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, आइडिया ये था इनिशियली। उस ज़माने में DHE VHE वाले चक्कर नहीं थे, और गुलशन में बड़ा होता था जब मैं ड्रामा शूट करता था, अंकल आए थे तुम्हें क्या कमीनापन चल रहा है यहाँ पे, ये वो वगैरह, उनको लगता था गलत चीज़ हो रही है, उल्टा हो गया, बस गुलशन अब लिबरल हो गया वो। तो हम वहाँ चले गए, हमने वहाँ जाके शूटिंग्स वगैरह शुरू की अपनी, और उसके बाद DHA ने एक फीस लगा दी बाद में, DHA वाले आ भी जाते थे उस टाइम पे, आते थे तो हम उनको छप्पड़ कर देते थे, वो हल्का फुल्का आते थे। और ये हुआ कि मेरे बच्चे पैदा हो गए वहीं पे,
तो हमने वहीं पे स्कूल भी ले लिया। जब हमने वहीं स्कूल ले लिया तो हमने कहा उसी मॉल में हम जाते हैं कोने पे। हमने घर कहीं और बनाया तो उसको रेंट पे दे दिया, तो हम यहीं रह रहे हैं अभी। कहीं और बनाया था घर, डिफेंस से नहीं कहीं और बनाया, और रहते हैं हम डिफेंस में। तो अब वो मैंने रेंट पे दे दिया। तो डिफेंस में रहने से बर्गर हुए कि नहीं हुए सवाल? बर्गर नहीं हुए, बर्गर नहीं हुए, लेकिन कुछ खर्चे ज़्यादा हो गए। ये घर बड़ा ले लिया, महंगा रेंट पे ले लिया, गाड़ी लीज पे ले ली, सही ना, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें लवाजमात हैं हर डिफेंस के। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, बिजली का बिल भी ज़्यादा ही आता है साला वहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, इससे आप बर्गर कह लो नहीं कह लो, लेकिन मैंने कहा हमें महंगाई भी होगी ज़्यादा। और अब हम सोचते हैं कि बच्चों का स्कूल चेंज कर दें तो बच्चे मना करते नहीं, हमारे बच्चे दोस्त हैं वहाँ पे। था पिछले दिनों की गुलशन वापस चले जाते हैं, तो लेकिन फिर ये हुआ कि रुक गए, देखेंगे कहाँ तक। हेरा भी, हेरा की घर वाले हैदरी के, मैं गुलशन का हूँ, तो हम हैं तो वहीं के बेसिकली। मिस करते हैं गुलशन? गुलशन हाँ, अभी मैं कल आज ही मैंने वो आगा जूस के पास से मैंने बन के वो खाया, जो मैं खाता हूँ सुकून मिला। हाँ मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो दोबारा फॉर्म में आ गया। वो मुजम्मिल ने वहीं से वो डील 21 पता नहीं हुई होती वो ली जो हम खाते थे पहले। अब थोड़े दिन बाद सर्दी आएगी तो सूप पीऊँगा आगा वाले का, डिस्को बेकरी भी है। ये तो मेरा चलता है वो, मैंने अपनी वो मैं वैसे ही हूँ, मैंने नहीं छोड़ा अपने आप को, वो मैं जाके कर लेता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे। मेरी रूट्स तो वही हैं बेसिकली, मैं तो वैसे ही हूँ, पान भी लेता हूँ तो जाके खेल सादा खुशबू का पान खा ही लेता हूँ। अच्छा रीइन्वेंट कर लिया है खुद को आपको लग रहा है? यार रीइन्वेंट करने की कोशिश की थी मैंने 2012-13 में अपने आप को, कि यार मैंने थोड़ा मेच्योर काम करना है। वो गलती भी थी मेरी, क्योंकि मैं उसके लिए बना नहीं था। मैं साहिलुद्दीन ही हूँ, वो उसके पास अलग ताकत है उसको पुल करने की ऑडियंस को। मैं आमिर लियाकत भी नहीं हूँ, उसके पास अलग पावर है, मेरे पास मानी की पावर थी। तो मैंने कुछ दिनों के लिए जो है स्टूपिड हरकतें की लाइफ में, जैसे कि मानी स्टूनाइट बकवास शो था मेरा। मानी स्टूनाइट एक शो मैंने किया TV1 पे, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो पैसों की खातिर मैंने शो किया। आपने साहिल लोधी की मिसाल दी। हाँ मैंने मिसाल नाइट शो करते नहीं, नहीं वो उसका जॉनरा है, वो अच्छा करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये है कि मैं वैसा नहीं कर सकता, मेरा मेरी तरह का ही होगा, सही ना। तो जब वो शो वहाँ से डिज़ाइन हुआ, मैंने तो किया भी नहीं, तो मुझे करना पड़ा पैसों की खातिर। पैसे मेरे ख़त्म हो रहे थे। हम दो हमारा शो जो हमने किया था वो एक ट्रेंड सेटर था, हेराओ मैंने जो किया था। हम टीवी का था, मियाँ बीवी का शो, बड़ा कैजुअल शो, सब लोग उसमें आते थे और वो सही था। लेकिन आप ये रीइन्वेंट करने का बता रहे थे कि उसमें एक शो उसमें ब्लंडर ही हो गया कि रीइन्वेंट जब मैं कर गया तो मैंने यूथ को थोड़ा छोड़ा, और यूथ को छोड़ के मैंने गलती की। अफसर ने भी एग्जैक्टली ये गलती की, हम लोगों ने बहुत लोगों ने गलती की, हमने पेड़ तोड़ दिए अपने, बहुत गलती की। ये फोरमैन वाले लड़के भी ये गलती करते हैं, ये सारे टूट के। अच्छा, आप सब ने एक साथ ही यूथ को छोड़ा, ये है ना? नहीं, कहीं आसपास जानबूझ के नहीं छोड़ा, इत्तेफाक से। लेकिन इसमें सबसे अच्छे वो हैं एहसन रहीम और फैसल कुरैशी वगैरह, उनके लाख फटे हो जाए लेकिन वो फिर भी कनेक्टेड रहते हैं। तो हम करते थे असफर अमानी जब शो होता था ना, हम ये करते थे, मैं अपना काम करता था, असफर करता था। फिर एक पॉइंट पे जाके हमारा कॉन्फ्लिक्ट। यूथ ने कभी रिएक्ट किया कहीं, किसी फैन ने मिलकर बोला कि यार आई एम डिसअपॉइंटेड, आप लोगों ने बड़े पीक पे जो है एकदम हमें अबैंडन कर दिया? उन्होंने रिएक्शन दिया ना, वो लड़के भी तो बड़े हो रहे थे ना, वो भी तो 35-40 हुए ना वो लड़के भी। तो वो एक गुस्सा उनमें भी था कि यार हमने तो आपको स्टार बनाया था, हम चाहते थे, क्योंकि मुझ में तो वो अपने आप देखते थे कि अबे उसको तो बोलना नहीं आता लेकिन ये अच्छा है, मज़े का है कि डिफरेंट लेके आता है, कोई नई बात करता है, मेरे जैसी बात करता है, मेरी जैसी बात करता है ये, तो चलो ये इसको स्टार बनाते हैं। नाराज़ भी रहते थे मुझसे लोग, लेकिन मेरे सामने आके मुझसे प्यार करते थे। जब मैं मुख्तलिफ कैंपेन्स करता हूँ PTI के साथ या PSP के साथ, तो मुझे वो लोग मिलते हैं ना, मैं तो अभी भी गली मोहल्ले में निकलता हूँ जाता हूँ, तो मुझे तो वो प्यार करने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन वो मिस करते हैं, वो कहते हैं यार हेरा तो कर रही है बहुत सारा काम अपने, आपका वो वाला काम क्यों नहीं आ रहा, वो वाला काम जिससे हमने आपको स्टार बनाया था। तो ये चीज़ हम मिस करते हैं। होता ही है, हम बहुत जब बड़े हो रहे थे ना बहुत सोचने लग जाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको एडवाइजर्स चाहिए होते हैं, हॉलीवुड में होते हैं, इंडिया में होते हैं, वो आपको ग्रूम करते रहते हैं कि अच्छा ये भी करें, नए लोगों के साथ भी काम कर लें। हमें पता ही नहीं होता नए लोग कौन हैं, पुराने लोग कौन हैं। अब जैसे कोई नया बंदा होगा, मैं उसके साथ अब मर के भी काम कर लूँगा, उसकी वजह क्या है कि मुझे पता है कि वो एक कोई और आइडिया लेके बैठा हुआ है,
जो कि मुझे एक स्टेप और ऊपर लेके जा सकता है और उसको भी फायदा होगा, मेरे एक स्टेप ऊपर जाने से वो भी एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ मुझे अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन, देर से, जब वकार जगह बैठा होता था ना, अकेला पागल लगता था हमें फेसबुक पे, अकेला बैठा होता था, द म्यूजिक पे दोस्त है हमारा, क्यों बैठा भाई पागल है, लेकिन वो सही बैठा होता था। उन्होंने उसी यूथ को दोबारा कनेक्ट कर दिया, उसने अपनी ऑडियंस को कनेक्ट रखा, जैसे बेशक वो नेवला चूस लेता है, सांप को पप्पी कर लेता है, सही ना, वो एलेपो चले जाता है या वो कुछ भी कर लेता है, वो उसका एक स्टाइल है। रात को वो स्नैपचैट पे अलग शो करता है और यूट्यूब पे अलग शो होता है, वो उसका स्टाइल है वकार का, लेकिन वो रहा। और फिर वो ऐसा सब और बोल्ड होता गया और उसने किया, लेकिन उसको पता लग गया कि इंटरनेट की ऑडियंस ही है। और उन्होंने यूथ को छोड़ा नहीं, हमने जो है वो काफ़ी हद तक छोड़ा, लेकिन हमें आना पड़ेगा और इन सबको भी आना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि लोग इनको एक साथ देखना चाहते हैं, अलग अलग नहीं। ये फोर मैन शो वाले हो गए, और भी होंगे लोग, मुझे अभी याद नहीं आ रहे जो टूटे होंगे उस जमाने में। जीरोस का आपके सामने बेसिक प्रेमिस क्या था, आइडिया क्या था, करना क्या यार? मैं चाह रहा था एक ऐसा बेवकूफ बाप जो कि रिलीजियस, जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है लोगों से, वो दिखाया था कि गिटार बजाते बजाते जो है वो गिल्ट में गया और उसने दाढ़ी रख ली, और बेटा जो है उसको उसने पढ़ाया हुआ है ज़ेबस टाइप की यूनिवर्सिटी में या IBA में, और ख़ुद वो अजारबंद के बिजनेस से हिट हुआ है, और एक बेवकूफ़ सा आदमी, उसको लगता है कि दुनिया भर में अगर अजारबंद जाएंगे तो मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बनाया, अली इमरान ने इनिशियली लिखा था उस पर, कभी कोई फटा वड्डा तो नहीं, कोई किसी ने फोन तो नहीं किया गया यार उस पर फटा, वो बंद हो गया था ना शो इसी बात पर कि वो आपने कुछ ज़्यादा कर दिया, आपने कुछ ज़्यादा। उसमें मेरा फेवरेट एपिसोड था जिसमें वो किसको, दो लोगों को अब्बा आपके कहते हैं कि मैं मॉडलिंग करवाना चाहता हूँ अपने बनियान की। हाँ, टीपू और हाफिज़ तो वो और उनकी तस्वीरें खींचते हैं, दोनों बनियान में जाते हैं, बड़े खुशी से बोलते हैं हम मॉडल बन रहे, पर उनका वो इस्लामिक रिसाला आता है तो उनकी तक गर्दन कटी हुई होती। बिल्कुल ऐसी था वो एपिसोड जो थी ना, बल्कि मैं बताऊँ उसकी सारी एपिसोड थी, एक एपिसोड में कमोड़ तोड़ देते हैं अब्बा, वो कहते हैं कि ये गैर इस्लामी है, और आखिर में दिखाया उनके घुटनों में मसला हो जाता है बेसिकली। बाबू नाड़ों के अलावा भी तो दुनिया में और चीज़ें हैं, आप उस तरफ सोचे ना। अरे जिस तादाद से दुनिया भर में मुसलमान फैल रहा है, तुम देखना कि कुछ अरसे में नाड़ों के सिवा दुनिया में और कुछ नजर नहीं आएगा। बेशक सबसेट है टू आप लोगों ने शूट किया था एक एपिसोड जिसके बारे में मैं बात नहीं कर पाया अभी तक पिछली किसी भी कॉन्वर्सेशन में, तो मैंने कहा आपसे बात करेंगे कि दैट वो आगे नहीं बढ़ पाया। यार मेरे ख्याल में, मुझे लगता है कि असफर अगर कोई चीज़ अच्छी बनाता है तो मैं अच्छी बेच सकता हूँ, मेरे पास इतना नाम तो है या इतनी मेरी स्टैंडिंग है अभी भी इंडस्ट्री में कि मुझे बेचना आता है उसके, फॉर नो रीज़न मुझे नहीं पता कि वो उसके टेलीविजन से उसके क्या मसले मसाइल हैं, कि कुछ है खिंचाओ थोड़ा सा असफर के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं है वो, मेरी फिर रिस्पेक्ट करेंगे। मैं तो असफर ने कहीं और से बनाया था ये, वो कुछ कोई नए प्रोड्यूसर से जो ये बना रहे थे, और आप सब थे उसमें? मैं हम सब थे उसके अंदर, अभी तो बनाया था कोई साल हो गया होगा नहीं उसको। आपने पिक्चर भी पोस्ट की थी उसकी? हाँ, मेरे ख्याल में वो अभी भी अगर मुझे भेज दे तो मैं भेज दूंगा। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे भेजना आता है, मुझे ये चीज़ है कि मुझे, मेरी आज तक कोई चीज़ दबा नहीं हुई। अच्छा, जो शूट हुआ है वो आपको कैसा लगा? शूट अच्छा था, शूट अच्छा हुआ था। किस नाम से किया था आपने? वो है सबसेट है और उसका नाम कुछ था मिड एज क्राइसिस, लेकिन ये कि मुझे लगता था उसका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर मुझे लगता था कि उसके अंदर और लोग जो आगे थे ना बहुत सारे, वो उस सबसेट को हेल्प नहीं कर रही थी, इनको लग रहा था कि और स्टार्स डाल के सबसेट को बड़ा किया जा सकता है, उसके लिए हमें फिर कोई अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए। कौन कौन था उसमें? और उसमें आयशा उमर भी थी, डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है, मीना खान थी बहुत बड़ा नाम है, खालिद अना में बहुत बड़ा नाम है, बैरू सब्जारी थे, हेरा ने अपेयरेंस की थी मेरे कहने पर, और मेरा ख्याल में शायद वो सामने से ये भी आ गया था हेरा रेगुलर, हेरा ने कहा मैं नहीं कर रही अभी तो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि वाइज प्रोड्यूसर के सब करनी चाहिए, इतने पैसे भी नहीं लगने चाहिए थे उस पर, नहीं बहुत लगा दिए थे पैसे इन लोगों ने। अच्छा, वी आर ऑलमोस्ट डन हियर, लास्ट सेगमेंट से पहले इज देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड? कुछ नहीं, बस मैं ये कहूँगा कि बस जज ना करें और इंतज़ार करें, अच्छा काम भी आएगा, काफ़ी दिन से नहीं आया लेकिन अच्छा काम आ जाएगा, क्योंकि ये तो उसमें होता है इस इंडस्ट्री में, इस काम में होता है। मैंने जो थोड़ा टाइम ज़ाया किया, मैं सियासत में काफ़ी टाइम ज़ाया किया, मैंने PTI के चक्रों में पहले और PSP की ज़िद, जो मेरी ज़िद है कि मुस्तफ़ा कमाल को लेके आना, शहर पैशनेट हूँ मैं, तो वो उस चक्कर में काफ़ी सारा काम मिस हो जाता है आपका, बहुत से लोग पर्सनल भी हो जाते हैं, हालांकि बात मैं गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। सही,
अच्छा जी चले, वन वर्ड फॉर हुमायूं सईद, ट्रेंड सेटर। उसने प्रोडक्शन करके साबित कर दिया कि वो बड़े वाले प्रोड्यूसर्स नहीं कमा सकते, एक आम लड़का भी, एक आम एक्टर भी जो है उसके, ये और अब्दुल्ला कादानी ने इंडस्ट्री चेंज की है। ये दोनों नहीं आते ना तो कोई भी और प्रोड्यूसर नहीं बनता, हम जैसे लोग भी। इन दोनों ने मिलके लोगों को बताया कि प्रोडक्शन होती है। ट्रेंड सेटर हैं ये दोनों। अदनान सिद्दीकी, यार अदनान सिद्दीकी से अच्छा वेल ड्रेस्ड आदमी मैंने नहीं देखा, इतने अच्छे कपड़े वो पहनते हैं। और अदनान सिद्दीकी से मेरी बनती भी है, ऐसे बताऊँ अदनान सिद्दीकी से लड़ाई भी होती है और उनकी बात मुझे हर्ट भी हो जाती है कभी कभी, उनकी बात खाली, क्योंकि मेरी उनसे कन्वर्सेशन होती है एक घंटे की और उनकी भी होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है वो वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी उनसे ही बात, इंडस्ट्री में वाहिद आदमी है ऑफ जो मेरे दोस्त नहीं हैं जिनसे मैं आधे घंटे बात कर लेता हूँ, यार क्या ये वो वगैरह, और आजकल नहीं हो रही लेकिन एक टाइम पर काफ़ी होती थी, और उनकी बात मुझे चुभ भी जाती है, और क्योंकि मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं उनको अदनान भाई कहता हूँ दिल से, तो मुझे उनके कपड़े बड़े पसंद, और वो सही भी करते हैं। वो अभी फलां अवार्ड में मुझे बोल रहे थे, अबे ये बटन तो गलत, मुझे बता दो वो कुछ ना कुछ करेंगे। वन वर्ड फॉर अदनान सिद्दीकी, वेरी वेल ड्रेस्ड। असफर अली, क्रिएटिव। फहद मुस्तफ़ा, गेम चेंजर है वो भी, क्योंकि फवाद के सामने, फवाद अगर हमें लगता था कि कोई फवाद ही स्टार है, लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने भी अपने आप को एक गेम शो से उठा के एक फिल्म स्टार बना दिया, सही ना, प्रोड्यूसर बन गया, तो वो गेम चेंजर, ये भी गेम चेंजर था। वकार सका, मुझे तो वो सोशल मीडिया किंग लगता है, तबाही मचाई है। ट्रू। फवाद खान, हैंडसम गुड लुकिंग सुपरस्टार। असफर मानी, खतरे की घंटी। हेरा मानी, कमाल एक्टर। सलमा हसन, बहुत अच्छी एक्टर लेकिन अंडररेटेड। महवेश हयात, मेरे देश का बिस्किट गाला। ये सितारे इम्तियाज यार, ओके गाला। मैं भी शायद लेकिन फिल्म भेज देती पूरी पता। अच्छा मैं खामखा कभी कभी हंसता रहता हूँ, मुझे लगता है कि वो बुरा नहीं मान जाए, मतलब अभी ट्रेंड चल रहा है, तेरे शो में आएगी नहीं वो, क्यों बता रहा हूँ। कोई वो नहीं है, चीज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग टैलेंटेड गर्ल, नो डाउट। फिल्म भेज देती भाई पूरी, फिल्म बिक जाती है, कोई हल्की बात नहीं है, मजाक काम नहीं है जो वो कर रही। मानी, मानी सेज पीपल लिसन, सही। मायरा खान, कमाल की स्टार, सर फखर से बुलंद कर दिया उसने। अली जफर, हरफन मौला। हरीम फारूक, अच्छा मैंने उसकी कोई उस तरह से मुझे, अच्छा ये भी नहीं पता आपको, मुझे इतना देखता नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं, मुझे तो एक दफ़ा बताऊँ बड़े मजे का सीन हुआ, ये सच्चा वाक्य बता रहा हूँ, और हेरा इसको इंडोर्स कर देगी और शायद एक दो लोग और। अभी हम एक अवार्ड में गए तो मैंने यासिर हुसैन ने बोला कि, मैंने कहा यासिर क्या इकरा वगैरह, उसने बोला यार वो उसका वीज़ा नहीं लगा इसका, पता नहीं कहीं गए हुए थे बाहर ऑस्लो से, तो शाम को हम सब इकट्ठे हुए तो मैंने देखा इकरा तो खड़ी हुई वहाँ पे, मैंने भाई इकरा अजीज़ तो आई हुई हिरने वाले, इकरा अजीज़ नहीं माया ली। अरे यार क्या हो गया भाई, खुदा की कसम कह रही है उसकी बोला, अभी तो बता रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर मैंने रिकगनाइज किया, मैंने हाँ ये तो माया ली है, अच्छा मुझे इकरा अजीज़ की शक्ल भी नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने इतना देखा नहीं है ना। अच्छा आपने किसी यूट्यूबर को भी ये डकी को या किसको वेटर समझ लिया? उसको मैंने वेटर समझ लिया था, लड़के को, वो जो दूसरा लड़का था वो जो डकी को नहीं, डकी को नहीं, शाम इदरीस को नहीं, वो जो दो लड़के नहीं आते बड़ा, उसको मैंने बोला यार भाई वो कार्ड मेरा रूम लॉक हो गया, रूम लॉक हो गया, यूं ही देखने लग गया, तो मैंने कहा क्या, मैंने आप वेटर नहीं कहते, नहीं भाई मैं यूट्यूबर, उसने बोला भी था, तो ये मेरे से थोड़ा मसला है, मैं कम देखता हूं। उसको अवार्ड मिला है, आपको याद नहीं है कौन है उसका नाम? मुझे याद नहीं आ रहा लड़का वो था, वो उसने ये बोली भी है अपने ब्लॉग स्पीच में बोला है, ब्लॉग में बोला है, वैसे भी बोला है कहीं, क्या करता है, कौन से ब्लॉग बनाता है वो? यार वो आता है, वो मशहूर है वो लड़का, बेसिकली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जैन है, नहीं उसका नाम जैन नहीं है, वो मेरे बच्चों को बताया कि कौन है वो। सही। वन वर्ड फॉर यासिर हुसैन, उड़ता तीर। क्या जरूरत थी उर्दू की बुराई करने की, नहीं करनी चाहिए थी यार, अच्छा क्रिएटिव लड़का है। वन वर्ड फॉर आमिर लियाकत, गेम शो इन्वेंटर। खलीलुर रहमान कमर, पता नहीं क्यों बोल रहे थे क्या, काफी सारी बातें क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों क्यों बोल रहे हैं अंकल, क्यों है वन वर्ड फॉर खलीलुर रहमान कमर, क्यों क्यों व्हाई, मतलब क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों ना बोले ना, मतलब ओपिनियंस, अच्छा वो बात कभी कभी गलत सही नहीं, सही भी कर रहे होते हैं लेकिन गलत लग रही होती है, क्योंकि वो बोल नहीं रहे होते, डांट रहे होते, हाँ उनको उनके अंदर चाबी भरते हैं लोग, मुझे लगता है उनसे उनका चेहरा ले रहे होते हैं।
उनको कुछ लोग होते हैं, इनको बुला के ना हम शो देखते हैं, हम छेड़ के छोड़ देते हैं उनको चाहिए नहीं आए, उनके बच्चों को मना करना चाहिए कि डैडी आप नहीं जाए शो पे, मतलब ऐसा ही हो, क्योंकि देखो वो एक बड़ा नाम है, उनको नहीं आना चाहिए इस तरह से यार। किसी भी ओपिनियंस तो सबके ही होते हैं बड़े बड़े यार, मेरे भी बड़े सारे ओपिनियन है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा पॉपुलर ओपिनियन के सामने आप ना खड़े हों, लेकिन वैलिड पॉइंट हो, आप किसी की बॉडी का मजाक थोड़ी उड़ा सकते हैं। मतीरा उसके ऊपर गुजी गुजी गो लेट्स गो गुजी गुजी लेट्स गो, इसका था गाना है उनका, इसका था ना पहले शुरू में गुजी गुजी लेट्स गो, शो था उनका, शो पे यही बोलती थी गुजी 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 लेट्स गो। अच्छा ओके, आई एम आल्सो लेटिंग दिस गो, फैसल कुरैशी, कौन से वाले तीन तीन है ये जो अपने सलाम जिंदगी वाले एक्टर जो है मेन ड्रामा एक्टर, गुड एक्टर, साहिल लोधी लोन फाइटर आखिरी बंदा जो बचा के बैठा हुआ है मॉर्निंग शो को, क्योंकि साहिल को बड़ा प्यार है अपने काम से, आप देखिए साहिल पैशनेटली करता है, उसके पास अब गेस्ट भी नहीं रहे, उसके पास शायद वो बजट भी नहीं रहा, वो चैनल भी शायद छोटा है, लेकिन साहिल खड़ा हुआ है, बोलेंगे लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला चक्कर है, साहिल खड़ा हुआ है, रेसलमेनिया हो रही है वो आखिरी खड़ा हुआ है, वो नहीं है वो कौन सा था शॉन माइकल्स जो पिट पिट के भी आखिर में गिरता नहीं था रॉयल रंबल से, तो वो साहिल खड़ा हुआ है, आई अप्रिशिएट। चले इस बात के लिए इनको तीन लफ्ज दे देते हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट मैन स्टैंडिंग। नुमान एजाज, जिस दिन ये इंटरव्यू दे रहे थे ना ये वाला, वो मैंने देखा था उससे पहले वाला इंटरव्यू, मैंने कह रहा ये फंस जाएंगे अंकल गलत टाइम पे चेक रहे हैं, अच्छा हर टाइम का वो टाइम होता है ना, वन वर्ड तो दे उनके लिए यार, वैसे उनके लिए भी अच्छा लफ्ज होना चाहिए, वैसे अच्छी बात नहीं होगी, सोचना चाहते हैं, हाँ मैं सोचना चाह रहा हूँ, तुम बताओ कोई घंट दो यार उनका क्या। मैंने अभी मजाक में दानंद भाई को कह दिया था इंस्टीट्यूट, तो वो सीरियस होगा, उन्होंने बोला क्या क्या इंस्टीट्यूट, उन्होंने तुझे क्या सिखाया मैंने कहा डिप्लोमेटिक जवाब है, सेफ है, निकल जा बंदा बोल के, लेजेंड नहीं यार वो, एक्सीलेंट एक्टर, वो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग है, अपने दौर के आखिरी एक्टर रह गए जो एक्टर थे। अच्छा अभी वाले से बताओ, उनको भी दुख होता होगा कोई नए वाले देख के, दुख होता हुआ यार कि शिट यार ये इनको नॉमिनेट भी कर रहे हैं मेरे साथ, इनके नाम भी आ रही है, बड़ा अजीब होता है अगर आप रिकग्नाइज हो चुके हो किसी टाइम पे और आपका नाम, और आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हो, आपने बड़े बड़े ड्रामे किए हों, अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया हो और टफ टाइम दिया और आप खुद अच्छे एक्टर हो, और अचानक से आपकी कैटेगरी में नाम अनाउंस हो और आप चार बुरे एक्टर्स में खड़े हो और वो चार बुरे एक्टर्स में कोई जीत भी जाए, तो फिर आप ऐसे बिटर हो जाते हो, वो बिटर हो गए, थोड़े से बेटर इसलिए हो गए, हम भी इसलिए बेटर हो जाते हैं ना अपने काम को, हमें जब आता है और जब कंपैरिजन गलत लोगों से हो रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गलत कंपैरिजन कर देते हैं ना, ये तो वैसा है, ये तो वो होगा, क्योंकि वही वाली बात है जो आपने कही कि हमारे काम खत्म भूल गए लोग, काम खत्म भूल गए, तो नमाने जा उसका तो लेवल है ना, तो इसलिए बेटर हो जाते हैं। वो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग, वो लोन फाइटर है, वो आखिरी इस प्लेनेट का आखिरी एक्टर बच गया, जो बच गया इस दौर का आखिरी एक्टर। वन वर्ड फॉर फारूक सत्तार, बेचारे। अल्ताफ हुसैन, थे। मुस्तफा कमाल, फ्यूचर। इमरान खान, डिसअपॉइंटमेंट। राशिद लतीफ, अंडररेटेड। वन वर्ड फॉर यूनुस खान, हार्ड वर्कर। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी कॉमेडी, डाइंग, मर रही है ये, जिस तरह टेलीविजन पे कम से कम नहीं बचेगी, ये सब इंटरनेट पे आ जाएगा, शायद वहाँ जिंदा रहेगी। पाकिस्तानी एक्टर्स, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं परफॉर्मेंस कम दे रहे सब यही कह रहे हैं, दाने जब यही कह के कह रहे प्रोटोकॉल पूरा ले लिया, एंड में कैमरा खोलो तो तू कुछ हिल तो रहा नहीं। हाँ कुछ नहीं हिल रहा, वो दानिश कह रहा था ना एक जगह पे, हम लोग किसी जगह पे थे, एक दो शूट्स कर रहे होते हैं कहीं पे, किसी के साथ हम थे, तो दानिश ने बोला, किसी एक्टर ने बोला कि एक और कर लूँ, तो कह रहा है वो उसमें और उसमें फ़र्क क्या है, दोबारा क्यों करवाया, दोबारा क्यों करवाया, तो वो ये चक्कर है। पाकिस्तानी म्यूजिक, स्ट्रगलिंग, क्योंकि कोक स्टूडियो के अलावा कुछ है ही नहीं, बेचारे नए लड़के आते हैं, ना उनके इंडस्ट्री म्यूजिक है, ना तो म्यूजिक है, ना MTV है, कहाँ जाएँ, कहाँ लगाएं, ना RTV है। पाकिस्तानी सिनेमा, स्ट्रगलिंग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट अभी, हाँ अभी भी या ऑल टाइम, कॉमेडी में अगर देखा है ना, स्टैंड अप कॉमेडी में, तो उमर शरीफ, कॉर्पोरेट इवेंट्स टाइप में मोइन अख्तर, मॉर्निंग शो में मर्दों का सबसे बड़ा होस्ट मुझे लगता है साहिल लोधी, मॉर्निंग शो में। औरतों की सबसे बड़ी होस्ट
मुझे लगता है माया खान, क्योंकि माया खान ने गेम चेंज कर दी थी। माया खान को अंडरस्टैंडिंग आ गई थी किस तरह से ये चेंज करते हैं। उसके शो में कोई भी नहीं आता था गेस्ट लिस्ट, बगैर गेस्ट के इसने शो बड़ा कर दिया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार अफरीदी। नाइस, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार हरीम शाह वही है। ये सवाल, अगला सवाल जो है वो मैं एक बार आपके घर आया था तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था। आपने कहा कि मैं अपने शो में एक सवाल पूछता था, मुझे लिखता था कि इनमें से किस एक्टर की एक्टिंग जो है साइबेरिया की ठंड से भी ज़्यादा ठंडी है। मुझे याद रह गया आपके बोलने के, मुझे तब से याद है। नाम दूँ ये खुद कुछ बोल लेंगे यार, अभी नए वालों के नाम लूँगा तो सड़ जाए। आजकल क्या हो रहा है, अब आप नाम लेते हैं ना तो फ़ौरन से एक स्टेटस वो डालते हैं बड़ा सा, और उसके बाद वो आप को बैश करना शुरू कर देते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। खैर ये भी उनका राइट है बेचारों का, वो ये भी ना करें बेचारे तो और क्या करें, एक तो बेइज्जती हो रही है ऊपर से, और फिर वो आपको रेडिक्यूल कर देते हैं। पहले होता था कि आप अंडरस्टैंड कर लेते। मेरे ख्याल में जिस वक्त तक मैंने ये सवाल किए उस वक्त तक अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई और मैंने बड़े राइट टाइम पे ये सवाल करना छोड़ दी है। कर गया हाँ। अभी किसी का और शो चलता है टीवी पे जो है वो सही ना? नहीं, जब MCQs की बारी आती है ज़्यादातर लोग तो मना कर देते हैं आजकल, और अब तो बड़े सीधे सीधे MCQ होते हैं, ये वाले तो बड़े टेढ़े वाले थे। लेकिन फिर भी किसी के एक का नाम लेना पड़ेगा। कौन एक्टर है जो बिल्कुल ठंडी एक्टिंग कर रहा है लेकिन फिर भी काम कर रहा है रेगुलर? यार बहुत सारे हैं भाई, लंबी लिस्ट बन जाएगी। छोड़ दें यार वो, मैं आपसे मोहब्बत में नाम नहीं ले रहा हूँ कोई। अरे मैं बोल दूंगा आप नाम ले देंगे, खाना न्यूज़ बन जाएगी, आगे बढ़ जाते। हाँ चलो हाँ, न्यूज़ बन जाएगी, आगे बढ़ जाते, क्योंकि कोई और बोलेगा ना, और लोगों ने जवाब दिए लेकिन उनकी इतनी न्यूज़ नहीं बनेगी, आपकी बन कन्फर्म बन जाएगी। न्यूज़ ही बनती रहती है, पता नहीं हर थोड़ी देर बस न्यूज़ बन जाती है कोई। तो हम मेल फीमेल दोनों इस कैटेगरी को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर अभी आतिफ असलम। आतिफ असलम, अच्छा वैसे ऑल टाइम नजम शिराज मेरा फेवरेट है। हाँ मुझे बहुत पसंद था, पता नहीं क्यों छोड़ के चला गया, लेकिन नजम की जितनी वॉइस में जो थ्रो थी, जो उसकी पैशन था, जो म्यूज़िक उसका डिफरेंट था, वो मैंने किसी का नहीं देखा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ। अच्छा अभी क्या कॉमेडियन है भी कोई? कॉमेडियन गाली है आजकल, है ही नहीं ना, कॉमेडियन गाली है ना, गाली है आजकल, ना इज्जत है ना पैसे हैं, कुछ भी नहीं है। होस्ट बना लिया सबने अपने आपको, हम होस्ट हैं। हाँ कॉमेडियन कोई नहीं रहा, कॉमेडियन नाम भी लिखवाते भी नहीं है, लोग नाराज भी हो जाते होंगे। इफ्तिखार ठाकुर टाइप कुछ लोग हैं बस, वो चल रहे हैं। हाँ वो तो थिएटर में भी बनाते हैं। हाँ पंजाब के लोगों को कह सकते हैं आपके, वो उनका उनका ह्यूमर अच्छा होता। इनमें से किसके लिए कहना ठीक होगा कि ये शख्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म मेकर है? शोएब मंसूर, एहसन रहीम, जामी, नवील कुरैशी, नदीम बेग, यासर नवाज। यार शोएब साहब को हटा दें यहाँ से, वो तो फिर वजह वो कंपैरिजन नहीं है ना। अच्छा बहुत ज़्यादा सीनियर है। हाँ वो सीनियर भी हैं उनका। उसके बाद क्या है? एहसन रहीम, जामी, नबील। नबील को समझ आ गई फिल्म बनाना। ओके तो नबील और फिजा को ना चीज़ को एग्जीक्यूट करना आता है, और यासर नवाज को पैसे कमाने आते हैं कम फिल्म से, कम पैसे से। तो ये दोनों को अलग अलग गुड़े हैं पड़े हैं। एहसन रहीम ने तो नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म आई थी, डिफरेंट ट्रबल, लेकिन मैं नबील को उसकी कहूँगा, नबील के पास फिल्में ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा फिल्मों से कंपैरिजन करते हैं ना कि कैसी फिल्में थी। एक एक्टर इन लॉ तो उसकी सबसे अच्छी फिल्म थी। अच्छा हाँ मेरी तो फेवरेट है। ओके एक्टर इन लॉ मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर अभी क्या है पहले क्या? जो आप दोनों बता दें। अभी का तो बाबर आजम ही है। ओके एंड ऑल टाइम? मैं यूनुस की तरफ जाऊँगा, क्योंकि वो एक अंडररेटेड क्रिकेटर, एक ऑर्डिनरी बैट्समैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना, वो एक ऑर्डिनरी कैप्टन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना, वो एक गैरतमंद कैप्टन था तो उसने कैप्टनसी छोड़ दी, उसने राइट उसको आखिरी मैच में उसको वेस्ट इंडीज़ में जीत मिल गई, वो लकी भी है और वो अच्छा भी था। तो एक ट्रू जेंटलमैन भी है और एक ट्रेंड सेटर भी है यूनुस जो है बेसिकली। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन शहबाज सीनियर, क्योंकि उस टाइम पर जब क्रिकेट ने टेक ओवर किया हुआ था और 92 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीत गया था, और हर वक्त हर कोई इमरान खान और उसकी बात करता था, शहबाज वो वाहिद आदमी था जो कि स्टेडियम में 70,000 लोग लेके आता था, सिर्फ शहबाज की वजह से लोग आते थे, और वो उसका नाम सही शहबाज था। वो जब अगर आप जो लोग नहीं जानते, वो जब गेंद लेके भागता था तो वो उसकी स्टेपिंग ही ऐसी थी कि वो
निकल जाता था कहीं पे। आजकल इस मैंने ना यूरोप में कोई ऐसा प्लेयर देखा अभी, हालांकि हैं बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, ना इंडिया में देखा कोई प्लेयर ऐसा। शहबाज एस्ट्रोटर्फ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, जरदारी है जो कुछ भी कर लेता है बैठ के, सबसे खतरनाक फिलहाल तो इमरान खान है। अच्छा, आजकल बहुत खतरनाक हुआ है, डेडली है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा, तनहिया ड्रामा, तनहिया सबसे बड़ा था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म, बंदिश, बंदिश या मौलाजट, बंदिश या मौलाजट। अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर इमरान खान, नवाज शरीफ के अलावा भी हमें जमाने में। आखिरी सवाल है, योर फेवरेट वुडी एलन मूवी? एनी हॉल। ना करें यार, हाँ ना करें, इसी बात पे हाथ मिलाया जी। सेम है, मैंने 20-25 बार तो देखी है कम से कम। मैंने कहा मेरे पास ये एक वाहिद गेस्ट है जिससे मैं वुडी एलन के बारे में कुछ सवाल कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मानी भाई। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड? बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस शो में भी मतलब मैं एक आम पाकिस्तानी एक्टर की तरह या एंकर की तरह बताना पड़ रहा है मुझे कि मैंने क्या क्या किया था, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और ये सबके साथ है लगा हुआ। अच्छा, 10 साल बाद जो अभी वाले मशहूर हैं वो भी ऐसे बता रहे होंगे और किसी को याद नहीं होगा। ये एक मसला है पाकिस्तान में जो कि इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और मुल्कों में कदर की जाती है, प्यार किया जाता है और चीज़ों को ज़िंदा रखा जाता है। हमारे मुल्क में हमें मज़ा आता है चीज़ें ख़त्म करके, करियर ख़त्म करके, सबकी वाट लगा के, तो ये गलत है बेसिकली। आप सरकेज़म है, ह्यूमर क्रिएट करें, लेकिन जो है बेसिकली जो जिसका काम है उसको ड्यू रिस्पेक्ट उसको देनी चाहिए, उसके टाइम पर दे देनी चाहिए। ये नहीं हो कि मरने के बाद और वाइट बालों के बाद ट्रिब्यूट टू फला हो रहा हो, ये नहीं हो। और इसी वजह से बहुत से लोग लूट गए, सड़ गए, अकड़ गए, वही जो मैंने आपको पीछे बताया, जो जिनके नाम लिए हमने, जो बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन ट्रेंड इस तरह का चल रहा है कि लोग भूलेंगे सबको, ट्रेंड ऐसा चल रहा है, ख़तरनाक ट्रेंड है पाकिस्तान में, लोग जल्दी जल्दी भूल रहे हैं। अभी अगर किसी अभी के बच्चे से पूछो तलत हुसैन कौन है, तो उसको नहीं पता होगा, अभी के एक्टर्स को भी नहीं पता होगा, बता रहा हूँ, जो अभी के लॉट है उनको नहीं आइडिया होगा कि वो किस लेवल के ग्रेट आदमी थे, किस लेवल की ग्रेट एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि खुद बताना पड़ रहा है, खुद दिखाना पड़ रहा है, ये बहुत गलत है। और मेरा ख्याल ये पाकिस्तान में हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं, मेरा ख्याल और कहीं दुनिया में नहीं होता। आई होप इट गेट्स बेटर। हाँ, अल्लाह करे। और जिसको पसंद आए ये शो वो देखे, और जिसको नहीं पसंद आए वो तकिए में मुंह दे और सो जाए। अरे यार, सही बड़े टाइम बाद सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें रावा एंटरटेनमेंट को। मैंने तो कर लिया, अब आप भी कर लें। थैंक यू।